नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कौन से कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजती है? तो अगर ये बात आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसे रीजन जिस वजह से आपको आ सकती है जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिसेस। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मिसमैच इन डिटेल्स इन जीएसटीआर 1 एंड 3B। अगर आपके जीएसटीआर 1 एंड 3B में मिसमैचेस दिख रहे हैं और स्क्रूटिनी हो चुका है गवर्नमेंट से, तो आपको जीएसटी नोटिस आ सकती है। डिफरेंसेस इन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्स मेड इन जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2A। अगर आपके जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A के रिकंसिलेशन के बाद डिफरेंस दिखाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने जो अवेल किया है उसमें, तो आपको नोटिस आएगी। डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B। अगर आप लगातार 2 महीने जीएसटीआर 1 एंड 3B फाइल नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपको जीएसटी नोटिस भेजती है। इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन इन जीएसटीआर 1 एंड ईवे बिल पोर्टल। आपके जो जीएसटीआर 1 और ईवे बिल पोर्टल पर जो डिक्लेरेशन देने हैं आपको, उसमें अगर गलतियां दिख रही है, एरर्स आ रहे हैं, तो फिर आपको ये नोटिस आ सकती है। इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन इन जीएसटीआर 1 एंड ईवे बिल पोर्टल। अगर यहाँ पर जीएसटीआर 1 और ईवे बिल पोर्टल पर आपके डिक्लेरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो गवर्नमेंट आपको जीएसटी नोटिस भेजती है। तो दोस्तों, इस नोटिस से बचने के लिए आपका फाइलिंग होगा वो सही तरीके से फाइल करें, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे जीएसटी के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, और ये जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।